मुझे तीन सौ रुपए देने पड़े और यही स्थिति पाकिस्तान के नागरिकों की होती है जब वो हमारा नेशनल म्यूजियम देखने आते हैं या भारत में कोई भी और जगह देखते हैं लोक विरसा एक ऐसी जगह है जिसका विवरण इस तरह से देना बहुत मुश्किल है कि आप उसकी कल्पना कर सकें एंड दिस इज अ बिट स्ट्रेंज टू से दैट एक्चुअली देर इज नथिंग एज ग्रैंड दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर अवर फोक लॉर एंड अवर फोक ट्रेडिशंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट एनी व इन अवर कंट्री ये कहते हुए मैं कोई आ, कोई आ, बवेला नहीं खड़ा करना चाहता हूँ केवल एक एहसास को मैं दोहरा रहा हूँ या याद कर रहा हूँ जो मुझे लोक विरसा में दो बार तीन तीन घंटे बिताते हुए यकायक हुआ कि जिस चीज को हम लोग दस्तकारी कहते हैं या लोक कलाएं कहते हैं लोकवार्ता कहते हैं इन तमाम नामों से उसको जानते हैं वो दरअसल कोई कौशल नहीं है और ना ही वो कोई कला है उसी संग्रहालय को देखकर मुझे ये एहसास हुआ जिस बात को वैसे कपिला जी बहुत वर्षों से लिखती रही हैं बोलती रही हैं कहती रही हैं लेकिन समझ ये बात मुझे पाकिस्तान में ही आई लोक विरसा में घूमते हुए कि दरअसल ये दस्तकारी है ही नहीं ये जिंदगी है जिंदगी के हर हिस्से में प्रवेश करने वाली यह एक प्रकार की जीवन कला है जो इतिहास के तमाम संघर्षों के दौरान बिखर गई है और हम आज इधर उधर उसके कहीं कोई टुकड़ा देखते हैं कहीं कोई रोशनी देखते हैं कहीं कोई नाटक की परंपरा देखते हैं कहीं कोई शब्द सुनते हैं कोई गुनगुनाहट हमारे आसपास से गुजरती है हमें लगता है कि हाँ हम कुछ समझे हैं और इसलिए हम उसके संरक्षण की कोशिश करते हैं सोचते हैं कि इसको किस प्रकार आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा नहीं तो मरे हुए रूप में ही कम से कम कहीं सुरक्षित रख लें डॉक्यूमेंट कर दें जो कि आजकल संरक्षण का एक बहुत बड़ा माध्यम है लोक विरसा देखते हुए मैंने ये जाना कि ये प्रयास कितने व्यर्थ के होंगे कई कारणों से लोक विरसा एक बहुत अजीब जगह है और आपकी आप उसकी तुलना दुनिया के किसी और म्यूजियम से नहीं कर सकते जिस भी तरह से पाकिस्तान के वहां के फोकलोर विभाग ने इसको बनाया है कैसे वहां की नौकरशाही और वहां की राजनीति के बीच में से उसको निकाला है मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे ये एहसास वहां रहते हुए जरूर हुआ वहां देख वहां घूमते हुए जरूर हुआ कि जब भी आप किसी एक जिसको हम लोग कला कहते हैं उसके किसी एक टुकड़े को हाथ में लेते हैं या किसी चीज को देखते हैं एक मिट्टी के खिलौने को देखते हैं या किसी कपड़े पर बनाई गई किसी डिजाइन को देखते हैं तो दरअसल हमारे पास आज उसको समझने के लिए पर्याप्त न तो सोच के दायरे होते हैं न ही शब्द होते हैं हम एक अनोखी सी चीज़ देख रहे होते हैं और ये एहसास शायद सबसे पहला एहसास है अगर हम अपने दिल और दिमाग को दोबारा इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये एहसास बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी अपने बिखराव को पहले समझें और उसको आत्मसात करें ऐतिहासिक विनम्रता के साथ इस घमंड के साथ नहीं कि हम उसको आसानी से जीत लेंगे लोक बिरसा में घूमते हुए ये पता लगता है कि ये जो तमाम कलाएँ हैं जिनको हम अलग अलग संस्थाओं के जरिए संभालते हैं कहीं संगीत कहीं नाटक कहीं मूर्ति कहीं नाटक कहीं मिट्टी की कलाएँ तो कहीं पर आ, उनको ये नाम देते हैं कि ये दस्तकारियां हैं ये हस्त कौशल हैं जबकि ये कलाएं हैं या कि ये कला की शास्त्रीय परंपराएं हैं जिस भी तरह से हम ये तमाम नामकरण करते हैं और वर्गीकरण करते हैं वो सब दरअसल एक तरह से गलत होता है क्योंकि उस सब के केंद्र में जिंदगी का जो एक चित्र है वो हमारी नजरों से ओझल हो चुका है और हम जितना भी प्रयास उस चित्र को अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर उस उसको एक बनाने का प्रयास करते हैं उतना ही हम भटकते जाते हैं अपनी इस खोज में और ये समझने में असमर्थ रहते हैं कि दरअसल ये घटना बहुत बड़ी घटना है और उसके लिए जिस तरह का प्रयास ज़रूरी है वो अवश्य बहुत गहरा प्रयास होगा जिसमें संस्कृति राजनीति अर्थव्यवस्था उस सभी का एक तरह से पुनर्दोहन करना होगा और तब जाकर के कहीं हमको समझ में आएगा कि हम क्या करें सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि उन देशों में भी जो एक बहुत बड़ी कल्पना के एक बहुत बड़ी जिंदगी के हिस्से हैं जिनको आज हम अलग अलग नामों से दक्षिण एशिया में जानते हैं यानी कि एक समुदाय की समझ उस संग्रहालय को देखते हुए एक प्रकार की हल्की सी रोशनी की तरह आप कह सकते हैं जिसको नाम मैं अगर दूं तो अंग्रेजी में एक शब्द है सेरेंडिपिटी कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं किसी चीज को खोजने की पर वो अचानक आपको दिखलाई देती है बहुत सोच के मैंने उसका नाम रखा है आलस्य प्रभा जब आप अलसाए हुए हो और वो रोशनी अचानक किसी प्रभा की तरह चमके तो आप कह सकते हैं कि वो एक प्रकार की सेरेंडिपिटस किस्म का ज्ञान है जो आपको अचानक मिलता है आलस्य प्रभा के जरिए और उसी संग्रहालय में मुझे इस बात का भी थोड़ा सा गहरा एहसास हुआ कि जिसको हम लोग डाइवर्सिटी कहकर महिमा मंडित करते हैं और उसको तरह तरह से उसके गीत गाते हैं उसका गुणगान करते हैं कई बार चारणों की तरह उसकी पूजा करते हैं वो दरअसल क्या चीज़ है जिसको हम भारत की विविधता और एकता से जोड़ते हैं उसका क्या अर्थ है क्योंकि लोक विरसा में हम देखते हैं कि हालांकि वो पाकिस्तान का संग्रहालय है पर वहाँ रहते हुए कई बार ये एहसास खो जाता है कि मैं इस समय पाकिस्तान में हूँ और उस राजधानी से आठ किलोमीटर दूर हूँ जहाँ मेरे ही सामने मेरे ही होटल के आसपास एक भयानक विस्फोट हुआ था कई बार लगता है कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं भारत में हैं एक बहुत बड़ी जो चादर है धर्म की वो जैसे वहाँ उघड़ सी जाती है और जैसे जैसे आप लोक विरसा के बहुत विशाल और भव्य उस आंगन में घूमते हैं उन गलियारों में घूमते हैं तो कई जगह यह एहसास होता है कि धर्म उसको किसी भी रूप में आप परिभाषित करें वो कभी संस्कृति का सर्वांग नहीं हो सकता खासकर अगर आप उसको अंग्रेजी के रिलीजन शब्द से जोड़ते हैं तो दक्षिण एशिया में वो संस्कृति का पर्याय नहीं हो सकता और संस्कृति और वाणी और हाथों की स्वतंत्रता कहीं ज्यादा बड़ी चीज है और वो चीज आज बावजूद उस देश के तमाम दुर्भाग्यों के पाकिस्तान में भी जिंदा है तो ये सवाल मेरे मन में पैदा हुआ कि क्या ये पाकिस्तान का एक आंतरिक चेहरा है जो उस बाहरी चेहरे से बिल्कुल भिन्न है जिस पर खरोंचें और ख़ून रोज ही नए सिरे से दिखलाई देता है क्या उस आंतरिक चेहरे में कोई चीज सुरक्षित है जिसको संरक्षित करने की भी जरूरत नहीं है आखिर संस्कृति एक ऐसी चीज होती है महादेवी ने कहा था जो हमें संरक्षित करती है और जब हम कहते हैं कि हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे या उसको बचाएंगे तो हम जरूर कोई बहुत ही अहंकारी काम कर रहे होते हैं कि हम संस्कृति को बचाएंगे जबकि संस्कृति हमें बचाती है एक अजीब सी दुविधा है लोक लोकविरसा को देखते हुए मुझे हुई लोक लोकविरसा की एक और विशेषता यह है कि लोक लोकविरसा को उसके तत्कालीन पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति ने उद्घाटन के समय पाकिस्तान की औरतों के सुपुर्द किया था ये उनको समर्पित है और जब आप उसमें लोक बिरसा से निकलते हैं तो एक अलग से एक बहुत ही सुंदर एक चित्र से गुजरते हैं जहाँ फैज़ की दो पंक्तियाँ दर्ज हैं और उनके ऊपर झूले में झूलती हुई एक लड़की का चित्र है इन पंक्तियों में आरजू का स्मरण किया गया है फैज़ ने दिखाया है कि आरजू कितनी बड़ी चीज है और आरजू के जरिए ही हम कोई नई तस्वीर बना सकते हैं देख सकते हैं कल्पना कर सकते हैं भले ही हमारा यथार्थ कितना ही टूटा फूटा बिखरा हुआ कैसा भी हो इन तमाम स्मृतियों के साथ लोक विरसा देख कर जब मैं पाकिस्तान से उस यात्रा के बाद लौटा कुछ वर्ष पहले तो तुरंत ही कई चूभते हुए सवाल मेरे मन में पैदा हुए शायद सबसे बड़ा सवाल यही था कि लोक विरसा की सुंदरता को उस संग्रहालय की इतनी विस्तृत और जाहिर है बहुत पैसा खर्च करके बहुत नियोजित ढंग से उसको खर्च करके तैयार की गई सुंदरता को गांव की गरीबी फटेहाली गंदगी बीमारी इन सब के साथ कैसे जोडूं? कैसे वो संतुलन अपने मन में बिठाऊं कि ये चीज वही है या उसी का एक आंतरिक चेहरा है जिसका बाहरी चेहरा इतना भयानक है इतना भयानक है कि गांव गांव जैसे कि हमारी कल्पना की के हाशिए के बाहर है भारत में भी पाकिस्तान में भी और दक्षिण एशिया के अन्य देशों में भी और तब से ये सवाल मुझे लगातार ही डसता रहा है कि गांव क्या चीज है आखिर और अगर गाँव के बारे में हमें सोचना है या सोचने का हमारा मन होता है कि कभी हम गाँव के बारे में सोचें तो हम उस द्वंद्व से कैसे बचें जो गांधी और अंबेडकर के बीच पैदा हुआ था क्योंकि जब आप गांव के बारे में सोचते हैं या गांव जाते हैं खासकर अगर आप मेरी तरह से शिक्षा में एक पेशेवर की भूमिका की वजह से गांव जाते हैं तो आप दो ही रूपों में गांव जाते हैं जा सकते हैं एक तो होता है समाज सुधारक का रूप कि यहाँ जाके कुछ ठीक करना है कुछ सुधारना है और दूसरा होता है एक रोमांटिक का रूप कि यहाँ कुछ नहीं सुधारना है यहाँ तो हर चीज गहराई पर बहुत ही समरी हुई है सुंदर है यही भारत की आत्मा है यही गांधी और अंबेडकर का द्वंद्व है एक तरह का डेड लॉक आपको कह सकते हैं जो इन दो बहुत महान स्वतंत्रता संग्राम के दो बहुत महान योद्धाओं के बीच हुआ और जो सोच के दो दायरे हमारे पास छोड़ गया है ऑन द वन हैंड यू हैव गांधीज आइडिया ऑफ द ब्यूटिफुल ट्री दैट द इंडियन विलेज इट्स प्री कोलोनियल एजुकेशन सिस्टम इट्स कल्चर रिप्रेजेंट एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव अम्बेडकरस कॉन्डमनेशन ऑफ द विलेज एज ए स्टैग्नेटिंग पूल ऑफ सुपरस्टिशन पॉवर्टी एंड ऑप्रेशन इन दोनों ही महान um, टेपणी में सच होगा यह हम मान के चल सकते हैं और इसलिए यह बहुत जरूरी मुझे लगता है कि हम लोग जब शिक्षा के दृष्टिकोण से अपने देश की समस्याओं पर विचार करते हैं तो गांव को लेकर अपना मन कुछ साफ करें स्पष्ट करें कि हम गांव को किस तरह से समझें और इस सिलसिले में मुझे लोक विरसा की स्मृति लगातार ही यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है कि गांव को लेकर हमारा संज्ञान ही शायद गलत है इस अर्थ में कि गांव और शहर दरअसल ये दो ऐसे ऐसी श्रेणियां हैं जो दो हैं ही नहीं क्योंकि जो चीज हम गांव पर आज प्रक्षेपित करते हैं ये कहते हुए कि वहां पर गरीबी है अंधविश्वास है निरक्षरता है अज्ञान है इत्यादि इत्यादि उत्पीड़न है वही सब शहर में भी है लेकिन शहर में हमें वो दिखाई नहीं देता या हम एक तरह से उसको अनदेखा कर देते हैं खासकर उन बस्तियों में जो हमने बड़े ध्यान से बनाई हैं जिनको हम नियोजित बस्तियाँ कहते हैं जैसे द्वारका एक नियोजित बस्ती है आप कह सकते हैं दक्षिण दिल्ली के अनेक इलाके नियोजित बस्तियाँ हैं ये शहर के वो इलाके हैं जहाँ आधुनिक भारत अपने दिमाग का राज्य का राज्य की ताकत का इस्तेमाल करता है और अंत में गांव वहां ठहरता है जहां शहर खत्म होता है शहर की चौहद्दी जहां नियोजित शहर की चौहद्दी बंद होती खत्म होती है वहां से गांव शुरू होता है और वो गांव हमेशा ही हाशिए पर होता है वहां लोग आते रहते हैं वहां कोई नियोजन काम नहीं करता जैसे कि मुख्यमंत्री दिल्ली की कई बार कह चुकी हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है हम कैसे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारें जब प्रतिदिन हजारों की तादाद में गांव से टूटते हुए गांव से देश भर के गांवों से जो कि टूट रहे हैं बिखर रहे हैं उनसे लोग लगातार दिल्ली में आ रहे हैं उन बच्चों की संख्या लाखों में होती है जो एक वर्ष में दिल्ली में जुड़ जाते हैं कोई कितनी ही योग्य सरकार हो कितना ही ध्यान रखने वाली उसकी नौकरशाही हो लेकिन गांव का टूटना और शहर में आकर उसका चिपक जाना जुड़ना एक ऐसी घटना है जो लैतनी अमेरिका से लेकर अफ्रीका दक्षिण एशिया इन तमाम दुनिया के उन इलाकों में दिखलाई देती है जो कि उपनिवेशवाद की चपेट में आए और जो उस चपेट से अपनी कल्पना को आज भी मुक्त नहीं कर हैं। क्या करें गांव का क्योंकि गांव को लेकर हम जब भी चर्चा शुरू करते हैं तो लगता है कि वो वहां है और हम यहां हैं शहर हमारा यहां है हमारे मन का यहां है और वो जो वहां है वहां हम दिन में जाते हैं रात को वहां से लौट आते हैं मेरे अजीज मित्र और अधिकारी जिनकी वजह से एनसीआरटी में मेरा कार्यकाल काफी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ पर जो इस पूरे कार्यकाल में जीवित नहीं रहे स्वर्गीय सुदीप बैनर्जी वो मुझे कई बार कहा करते थे कि एक जमाना था जब सिविल सर्विस में आने वाले लोगों के लिए जरूरी होता था कि वो हर हफ्ते कम से कम एक रात गांव में बिताएं दौड़े पर जाएं पर शाम को लौटें नहीं और ये भी ना उम्मीद करें कि जिस गांव में जा रहे हैं वहां कोई रेस्ट हाउस होगा उनका कहना था कि अंग्रेजों के समय में तो ये व्यवस्था थी ही पर आज़ादी के बाद भी कम से कम 20-30 साल रही कि आई अधिकारी या अन्य अधिकारी शाम को कम से कम एक रात ना लौटें उनका सोचना था कि ये एक तरह की शिक्षा थी सिविल सर्विस की जिससे वो गांव के संपर्क में रहें। ये जो गांव का वहां है इसको लेकर कोई भविष्य की कल्पना भी ऐसी नहीं है जो गांव को गांव रहने दे यानी कि गांव का आज शहर जैसा ही हम बनाते हैं यानी अगर कोई गांव आज के अर्थ में विकसित हो गया या ठीक से उसमें विकास हुआ तो वो शहर जैसा दिखने लगना चाहिए उसमें वो लक्षण दिखने लगने चाहिए जो शहर के लक्षण होते हैं और इस आधार पर तय होता है कि कोई गांव कितना विकसित हो गया है वो कितना जुड़ गया है उस व्यवस्था से जो कि राष्ट्रीय है अंतर्राष्ट्रीय है उस व्यवस्था के कितना भीतर पहुंच गया है गांव को लेकर हमारी कल्पना में न केवल वहां और यहां का फर्क है बल्कि कल और आज का भी फर्क है भारत का आज और भविष्य का कल उसके शहरों में दिखलाई देता है और गांवों से यही अपेक्षा की जाती है कि अगर वो भारत के विकास में एक बाधा नहीं बनने जा रहा है जैसा कि आज छत्तीसगढ़ के अधिकांश गांव हैं जहां भयानक हिंसा से भारत जूझ रहा है झारखंड के तमाम गांव हैं वो कल के दिन या कम, कल नहीं तो परसों और परसों नहीं तो नरसों शहर जैसे दिखने लगेंगे और इस व्यवस्था में कहीं शामिल हो जाएंगे एक बहुत बड़े सवाल हैं जिन सवालों में जितना भी आप जाते हैं उतना ही दिखलाई देता है कि जिस अहिंसा के जरिए गांधी जी ने और उनके साथ कमला देवी जैसे हजारों विचारशील स्त्री पुरुषों ने एक कल्पना की थी वो कल्पना बगैर हिंसा के पूरी होने वाली नहीं है और ये वो सवाल है जहां आप एक नजर पूरी दुनिया पे डालें तो ऐसा ही लगता है कि अब, हिंसा के जरिए दुनिया को बदलने का और दुनिया को सभ्य बनाने का रहने लायक बनाने का साहब की नज़र में एक सुंदर जगह साफ सुथरी जगह बनाने का जो स्वप्न पिछले 400 वर्षों में उपनिवेशवाद के जरिए सारी दुनिया में फैला उस स्वप्न में हम भी शामिल हैं और हमारे पास फिलहाल देखने के लिए कोई ऐसा स्वप्न नहीं है जो गांव का आज और भविष्य किसी अलग ढंग से निर्धारित कर सके ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जितने भी लोक कलाओं से दस्तकारियों से जुड़े हुए प्रश्न हैं उनकी समस्याएं हैं वो सब अंततः कहीं ना कहीं उस सामुदायिकता की समस्याएं हैं जिसमें भारत का गांव आज शामिल नहीं है जब हम भारत को एक समुदाय के रूप में आज कल्पित करते हैं या दक्षिण एशिया को एक इकाई के रूप में कल्पित करने की कोशिश करते हैं तो वो मुख्यतः एक शहरी समुदाय होता है एक शहरी समुदाय होता है जो पढ़ा लिखा है उस ढंग से पढ़ा लिखा है जिस ढंग से भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका इन देशों के अभिजन एक दूसरे से मिलते हैं मेरे अजीज मित्र और हिंदी कवि रघुवीर सहाय ने अपनी कई कविताओं में इस तकलीफ को अभिव्यक्त किया था कि वो लोग कौन हैं जो आसानी से पाकिस्तान का वीजा पा लेते हैं और वो कौन है जो कि कई कई दिन कई कई हफ्ते उस खिड़की के बाहर खड़े रहते हैं पर जिनको वो वीजा नहीं मिलता और ऐसा ही पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के बाहर की खिड़कियों होता है और उनकी वो पंक्ति याद दिलाती है उस यथार्थ की दो पार पत्र उसको जो उड़कर जाए दो पार पत्र उसको जो उड़कर आए हमारे देश अपनी आंतरिक विषमताओं से भी इतना त्रस्त हैं इतना घिरे हुए हैं कि उनके सामने किसी एक इस तरह की समुदाय की कल्पना करना बहुत मुश्किल हो गया है जिसमें विषमताओं के ये स्वरूप समाहित हो जाएं जिसमें गांव और शहर की श्रेणियां ना रह सकें ये सवाल दरअसल सिर्फ भारत का नहीं है ये सवाल पूरी दुनिया के सामने उपस्थित है मशहूर इतिहासकार और साहित्य के समालोचक ब्रितानी चिंतक रेमंड विलियम्स ने इस विषय पर अपनी पूरी एक किताब में ये बात लिखी है कि ये बीसवीं सदी का एक आ, बहुत स्पष्ट एक सूत्र है एक प्रकार का कि गांव की अर्थव्यवस्था जहां वो अभी भी चल रही है और गांव से आने वाले विचार इन दोनों के बीच एक विलोम का अनुपात है वो विचार जो कि गांव से मिलते हैं वो मूल्य जो गांव से मिलते हैं जैसे जैसे वो शहर की हमारी सभ्यता में विलीन होते जाते हैं वैसे वैसे गांव की स... अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ती जाती है रेमंड विलियम्स के शब्द ये प्रश्न यूरोपीय देशों में आज इसलिए नहीं रहा कि उन्होंने अपने गांव को लगभग नष्ट ही कर दिया और जिसको आज विकास का मानक कहते हैं आज का आधुनिक यूरोप अमेरिका या ये तमाम देश उनमें गांव एक बहुत ही सीमित हाशिया है किसी जगह दो प्रतिशत कहीं तीन प्रतिशत जनसंख्या वहाँ निवास करती है एक ही देश है यूरोप का आप कह सकते हैं फ्रांस जहां ये जनसंख्या थोड़ी अधिक है और ये निश्चित ही अध्ययन का विषय है कि ऐसा क्यों है जहां तक भारत का सवाल है रोज ही इस तरह के आंकड़े आते रहते हैं जो दिखाते हैं कि अगले 20-30 वर्षों में भारत की जनसंख्या का बहुलांश उसके शहरों में रहने लगेगा पाकिस्तान में ये प्रक्रिया शायद हो भी चुकी है पूरी हो चुकी है और पाकिस्तान में अब आधी से कम जनसंख्या उसके गाँव में निवास करती है क्या मायने हैं इन तमाम परिवर्तनों के और किस तरह ये हमारे देशों की सभ्यता को और उनमें उस सभ्यता में निहित कल्पनाओं को प्रभावित करेंगे ये तमाम प्रश्न आज कमला देवी जी की स्मृति में उठाना मुझे बेहद प्रासंगिक लगता है इसलिए क्योंकि जिस चीज को हम नई कल्पना का माध्यम मानते हैं या नई सोच के विकास का जरिया मानते हैं वो स्वयं वो चीज स्वयं इस बहुत बड़ी विसंगति और इस बहुत बड़े अंतर विरोध में योगदान करती है और वो चीज़ है शिक्षा एक छोटी सी कहानी जैसी है जो कि ब्रिटिश पत्रिका इकोनॉमिस्ट ने अभी कुछ महीने पहले प्रकाशित की थी जब अमेरिका का एक पत्रकार दक्षिण डेकोटा नाम के वहां के एक प्रदेश में जो अमेरिका के कम विकसित प्रदेशों में से गिना जाता है एक गांव का स्कूल देखने गया उसने देखा कि स्कूल uh, की हालत तो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन उसको वहाँ के किसी आदमी से मालूम चला कि अब एक अच्छा अध्यापक वहाँ आ गया है तो इस पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मुझे वहाँ घूम फिर के लोगों से बात करके ही समझ में आया और ये उसके शब्द हैं दैट इज़ वेरी नाइस दैट नाउ देर इज ए गुड टीचर इन द विलेज स्कूल एंड देन ही सेज वेल इट्स गुड न्यूज फॉर द चिल्ड्रन बट इट्स बैड न्यूज फॉर द विलेज बिकॉज इफ द स्कूल रन्स वेल and children are taught well it